इंडिविजुअल डेटा पे ध्यान दें तो अर्बन सेक्टर, अर्बन जो एरिया है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहां डॉक्टर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, वहां पर 1200 से 1300 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर मिल जाएगा। लेकिन गांवों में सिचुएशन इतनी खराब है कि वहां पर 4000 5000 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। और उस रिपोर्ट में यह भी मेंशन था कि इंडिया में 27% डेथ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती है कि उनको डॉक्टर नहीं मिल पाते। अब आप ये सोचिए कि डॉक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है। बहुत सारे मां बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे, उसका बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, उसके लिए उसे वो साइंस दिलाते हैं, पहले तो अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, वहां पर फीस भरते हैं। अब वहां पर फीस आपको पता है कितनी होती है, स्कूल की फीस, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनकी फीस अच्छी खासी है। उसके बावजूद भी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने के लिए उनको कोचिंग ज्वाइन करवाते हैं, और कोचिंग की फीस सालाना 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख रुपए चार्ज भी लेते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट पे स्कूल की फीस प्लस आप कोचिंग का चार्ज जोड़ लीजिए। उसके बाद भी साल भर की मेहनत के बाद जब नीट में क्वालिफाई कर पाता है और स्कोर अच्छा नहीं आता, यहाँ पर फर्क है, कई बच्चों को पता नहीं होगा, नीट में क्वालिफाई करने से आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलने वाला, फिर वो गवर्नमेंट सीट उन्हीं को मिलती है जो टॉप 10% में आते हैं, मतलब क्रीम, वो भी 10% में ज्यादा बोल रहा हूँ, 5 से 7% में जो आते हैं उन्हीं को वो सीट मिली, बाकी बच्चे प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं और वहां पर उन्हें बहुत भारी भरकम फीस भरनी पड़ती है, नीट के स्कोर का भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड आई वॉज शॉक्ड जब मुझे ये मालूम पड़ा कि नीट स्कोर के बावजूद भी ये कॉलेजेस कितना चार्ज करते हैं, जरा सोचिए, इनकी फीस की रेंज है 3 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए पर एनम, जहां पर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 4 लाख रुपए में 5 साल कंप्लीट एमबीबीएस कर सकते हैं, 4 लाख रुपए 5 साल के कंप्लीट, मैं मैक्सिमम रेंज बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी 80,000 रुपए के पर एनम के करीब है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस तो पर एनम पे शुरू ही 3 लाख रुपए से होती है और वो 20 लाख रुपए तक जाती है। और अगर आपका नीट का स्कोर बहुत कम है और फिर भी आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो डोनेशन सुन के आप हैरान रह जाएंगे, 20 से 50 लाख रुपए तक का तो डोनेशन है, उसके बाद आप सीट मिलेगी और उसके बाद आपकी एमबीबीएस की पर एनम की फीस आपको अलग से पे करनी है। अब इस हिसाब से गवर्नमेंट के बच्चों को छोड़ दें जो कि मुश्किल से 20 से 30 हजार होंगे जो साल भर में निकलेंगे, बाकी जितने भी डॉक्टर निकल रहे हैं वो कितना पैसा खर्च करें डॉक्टर बनने में, ये सोचिए। ओवरऑल वो 50 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक डॉक्टर बनने में पे कर रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट या मैं नहीं कहता हूं, मैंने भी ये सब चीजें देखी हैं। और उसमें भी समस्या ये है कि कितने डॉक्टर हैं जो कि विलेजेस या रूरल एरिया में काम करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा खर्च किया। रूरल एरिया में हमें डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत है, एक्सपर्ट्स की ज्यादा जरूरत है, हम बात पहले समझ चुके हैं, क्योंकि वहां पर 4000 पे एक डॉक्टर है और ज्यादातर डेथ जो होती है वो रूरल एरिया में ज्यादा हो रही है। अब रूरल एरिया में काम करने जाएगा कौन, जो कि मेडिकल कॉलेजेस में कम इन्वेस्ट करेगा, जिसने कम फीस भरी, जो कम पैसों में डॉक्टर बन गया, उसकी तो इच्छा होगी ना कुछ सेवा करने की, तो वो शायद गांव की तरफ चला जाए। जो ऑलरेडी करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है एमबीबीएस करने में, वो कैसे जाएगा, उसको पता है कि मैंने डॉक्टर बनने में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च कर दिया, वो गांव की तरफ सेवा भाव से कैसे जाएगा। So, इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी फीसेस के साथ जो डॉक्टर बनाए जा रहे हैं और ये जो सिनेरियो पैदा हुआ है उसको बदलने की जरूरत है। इस बात को आप गवर्नमेंट तक लेके जाइए, शेयर कीजिए और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर कुछ कदम उठाए जाएं, जरूरी भी है।